सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ईश्वरीय परिवार के हम सभी महान आत्माएं, ईश्वरीय परिवार माना स्वयं ईश्वरीय पालना जो हम बच्चों को ईश्वर के द्वारा मिल रही है, वो ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? बाबा कह रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल ज्यों की आहुति नहीं देते। तिल ज्यों ये सब आहुति नहीं देते, इसमें तुम देह से जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। बच्चे आए हैं बाप के पास, बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास, और उनका नाम है शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं, गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। मारना चाहेंगे वो भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। आत्मा का तो कोई मार काट नहीं सकते, तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे ना सके। वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं, क्योंकि यहां रावण है, विकार है तो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। रावण का 10 शिष्य भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मददरी दिखाते नहीं। सिर्फ नाम रख दिया है रावण की स्त्री थी। तो यहां रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावण होता नहीं, बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी दुख ना हो सके। तो क्या समझना है आपने को? समझना है कि मैं एक आत्मा हूं इस शरीर को चलाने वाली। जब ये समझ निश्चय हो जाएगा तो दुख किस बात की। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला, तुम भी शिव की नाभि से निकले हो, बाकी चित्र तो सब रंग है। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए हैं, ऊपर कोई भी चढ़ ना सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वो और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है। बाबा के घर और स्वर्ग का जो भी गुरु आदि हैं सब हैं हठयोगी, घर बार छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं हैं, कहते हैं पवित्र बनो।
कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, है पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित ना बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं, वो भी मनुष्य से देवता बनने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मण द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। और कौन सी हालत? अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगमिक पर मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं, मैं कच्छमच अवतार वारह अवतार नहीं लेता हूं, मैं कण कण में नहीं रहता हूं। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वो जानवर भी बनते हैं, वो तो अनेक यानियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूं, अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ। इस झूठी दुनिया में सच कहां से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। तुम जानते हो हम भारतवासी वरवर देवी देवता थे। बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए, एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर बैठ क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है, हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने से क्या बनते हो? पतित बन जाते हो, शूद्र बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है, अभी तुम आत्मा ही क्या बनेगी? पहले की लौकिक पढ़ाई में इंजीनियर बैरिस्टर बनते थे, अभी क्या बनेंगे? देवता। कहते हो बाबा से बरसा लेकर लक्ष्मीनारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है, यह समझने की बात है ना। कोई को सिर्फ एक दो अक्षर कान में डालो तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है, एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति करेंगे। ये शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है, कहते हैं परंपरा से चले आए हैं, परंतु कब से समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। तो बाबा आज धारणाओं में कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न की धारणा कर, शंख धनी करनी है सबका यह ज्ञान रत्न देने। शंख धनी मतलब ज्ञान सबको देना है, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ बाबा। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बाबा कहते हैं बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो।
तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा सर्वदा संसार को सकाश देने वाला परिवर्तक महापरिवर्तक विश्व विजयी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में हैं। 24 घंटे मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।